हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। अभी हम लोग अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले क्या करना है इस क्वेश्चन में हम लोगों को? सबसे पहले आपको ऐसा एक स्केल लेना है और इस स्केल में आपको 9.3 को पहले मार्क कर लेना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर मार्क कर ले रहा हूँ। ये 9.3 मैंने मार्क कर लिया यहाँ पर, ठीक है। और मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर चलिए नाम दे देते हैं इसका। मान लीजिए ए है और ये जो है वो है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको कि ये जो हमने मार्किंग किया है 9.3 को, उसके आगे फिर आपको सेम डिस्टेंस पे एक नंबर लाइन बनाना है। जैसे 1 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 अरे 5, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया, तो इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, इसको 3 दे दीजिए, है ना, और 4 दे दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नंबर लाइन तैयार हो गया। और ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये वाला डिस्टेंस ओ ए है, वो कितना है? ये 9.3 है। तो इसको हम लोग यहाँ पे 9.3 ले लेंगे, ये 9.3 आ गया। अब क्या करना है इसमें, ए से 1 तक, है ना, ये जो 1 है ना, ए से 1 तक, तो ये जो 1 है इसको एक नाम दे दीजिए। हम लोग नाम दे देते हैं, चलिए ये नाम होगा ए बी कर दीजिए इसको, है ना। तो क्या मिल गया हम लोगों को, ए बी मिल गया। अब ए बी का जो सेंटर होगा, उस सेंटर से हम लोगों को क्या करना है, एक तो सेमी सर्कल ड्रा करना है। तो हम लोग कैसे सेंटर निकालते हैं इसका, आप तो जानते हैं, इसके जो हाफ डिस्टेंस है उससे ज़्यादा इस कंपास को अपने को सेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर सेट कर लिया, फिर इधर एक कार का काटना है, ठीक है, और फिर इधर एक आर का काटना है, ठीक है। फिर इस डायरेक्शन में जाके पॉइंट ए से हम लोगों को फिर से एक आर का काटना है ऐसा, और फिर एक आर का काटना है इधर ऐसा, ठीक है। अरे जो आर का काटे हैं उससे अपने को मिलाना है, दोनों डिस्टेंस को अपने को मिलाना है ना। तो जब ये देख लीजिए, मैं मिला रहा हूँ यहाँ पे। तो जब दोनों डिस्टेंस से मिलाएंगे बच्चों, तो हम लोगों को इसका वो मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा। तो देखिए, मैं इसको डॉटेड लाइन में अपने को सेंटर को कर लेना है। अब ये सेंटर जो है ना, इसका नाम दे दीजिए आप लोग, मैं सी दे रहा हूँ, आप भी सी दे दीजिए, है ना। ये हो गया, बी हो गया, वो हो गया, और ये सी हो गया, ये अपने को इसका सेंटर मिल गया। अब क्या करना है, ये जो ए सी है उससे हम लोगों को एक सेमी सर्कल ड्रा करना है कुछ इस प्रकार से, है ना। ये देखिए, इसका रेडियस कितना होगा, ए सी के इक्वलेंट होगा। तो हम लोग एक सेमी सर्कल ड्रा कर रहे हैं ऐसा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो इधर आके 1 से टच करेगा, ठीक। तो ये हमने सेमी सर्कल ड्रा कर लिया, अपने को मिल गया यहाँ पे ए बी, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों को एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है ओ से, जो कि एक सेमी सर्कल, जो ए बी जो सेमी सर्कल है, बी का जो सेमी सर्कल है ना, उसके सर्कमफेरेंस को टच करे। कहाँ से टच करे, ओ से, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसके लिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट ओ है ना, वही ओ और 1 का जो डिस्टेंस है उसको इधर भी ले लेंगे ऐसा, ये देखिए ऐसा, ठीक। तो जो ओ 1 का डिस्टेंस है जिसको मैंने वो भी नाम दिया है, और जो इधर है तो इसको भी नाम दे सकते हैं आप, चलिए नहीं देते, कोई ज़रूरत नहीं इसको देने का। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इससे पॉइंट ओ से 90 डिग्री का एक ओ खींचेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वही इससे हाफ से ज़्यादा कंपास को सेट करेंगे, इधर एक आर्क काटेंगे, इधर एक आर्क काटेंगे, फिर सेम वैसी इधर एक आर्क काटेंगे और इधर एक आर्क काटेंगे, ठीक है। तो ये आर्क काटने के बाद हम लोग इसको बड़ा आसानी से इसके ऊपर से 90 डिग्री हम लोग खींच सकते हैं। वो देखिए, यहाँ से ऐसा हम लोग इसको 90 डिग्री ऐसा खींच देंगे, ठीक है, 90 डिग्री मिल गया। अब यहाँ से इसको मिला लेंगे, है ना, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इसको नाम दे दीजिए ओ डी। ये जो ओ डी है ना, वही नंबर लाइन पे अंडर रूट 9.3 को डिनोट करेगा। तो हम वो सी डी को मिला लेते हैं, तो चलिए यहाँ पे सी डी को मिलाते हैं ऐसा। ये मिलाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मिला लेते हैं अच्छा दिखता है करके। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो ओ डी है, ठीक है, ओ डी
में ये जो कंपास है उसको सेट करेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे नंबर लाइन पे, जो नंबर लाइन हमने पहले बनाया है, ये देखिए ये हमने आर्क ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो पॉइंट है ना, ये जो आर्क है नंबर लाइन पे, जो पॉइंट 3 है उससे थोड़ा आगे इसको काट रहा है। यही पॉइंट जो है ना बच्चों, यही पॉइंट है आपका, क्या है ये, अंडर रूट 9.3 पॉइंट, ये वाला पॉइंट, समझ गए आप लोग है ना। तो यही, और ये जो ओडी है ना, यही जो ओडी का लेंथ है वो अंडर रूट 9.3 है, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर इस प्रकार से बताना चाहें तो बता सकते हैं, एक लाइन ड्रा करके ऐसा, और यहाँ पे जहाँ पे 9.3 आया है ऐसा, और इसको अगर हम लोग यहाँ पे मिला दें तो ये लाइन जो है आपका, ये लाइन है आपका 9.3 अंडर रूट, ठीक है। तो बच्चों आशा करता हूँ मेरे इस एक्सप्लेनेशन से काफ़ी अच्छे से ये वाला क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। और वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।